22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये वो समय होगा जब दुनिया भर की निगाहें अयोध्या पर होंगी। करोड़ों आंखें 5 शताब्दी के सपने को साकार होते हुए देखेंगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए यूपी सरकार ने भी अभूतपूर्व तैयारी की है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होंगे। सीएम योगी ने अफसरों और मंत्रियों के साथ मीटिंग कर अयोध्या की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में तय किया गया कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर इंतजाम हो। अयोध्या का डिजिटल टूरिस्ट गाइड ऐप तैयार होगा। इसके साथ ही रामायण के चरित्रों के नाम पर भवनों के नाम होंगे। प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी से हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलेगी। अयोध्या के लिए सीएम योगी का प्लान। योगी ने बता दिया 22 जनवरी के बाद क्या बदलेगा। अयोध्या में होगी प्राण प्रतिष्ठा, पूरा देश बोलेगा जय श्री राम। अयोध्या में 22 जनवरी को पीएम मोदी प्रभु रामलला के बाल स्वरूप के विग्रह को प्राण प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। राम मंदिर में भले ही भगवान बाल रूप में विराजित होंगे, लेकिन उनका संदेश चक्रवर्ती राजा वाला होगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। इसका खुलासा खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। गुलामी की मानसिकता से सर्वथा मुक्त होंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे, आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। सीएम योगी के प्लान से साफ है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। गुलामी से मुक्ति मिलेगी, जातिवाद खत्म होगा, श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होगा, सामाजिक एकता बनेगी। इसके साथ ही 22 जनवरी से अयोध्या में अभूतपूर्व बदलाव होने जा रहे हैं। सीएम योगी ने अफसर और मंत्रियों को क्लियर मैसेज दे दिया है। इस वक्त पूरा देश राममय है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अलौकिक अविस्मरणीय होगा। इसके लिए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर इंतजाम होगा। अयोध्या का डिजिटल टूरिस्ट गाइड ऐप तैयार होगा। रामायण के चरित्रों के नाम पर भवनों के नाम होंगे। भोजनालय और भंडारे माता शबरी के नाम पर होंगे। रैन बसेरों का नाम होगा निषादराज गुह्य अतिथि गृह। अयोध्या के आसपास के स्टेशन से बस की सुविधा मिलेगी। प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी से हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। अयोध्या आने वाली सड़क पर स्मार्ट साइनेज लगाए जाएंगे। अयोध्या की साफ सफाई के लिए अतिरिक्त मैन पावर होगी। 22 जनवरी को जहां राम मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी रामलला को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, उसी वक्त मंदिर के बाहर पूरा आकाश शंखनाद से गूंज उठेगा। इसके लिए पुणे केशव शंखनाद टीम के सदस्यों को मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आमंत्रित किया है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त केशव शंखनाद की टीम के 111 सदस्य अयोध्या में मौजूद होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरा देश एक सुर में जय श्री राम करेगा। देश का कण कण भगवान की भक्ति में लीन होगा। इसके लिए घर घर अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद भोपाल में गली गली घूमकर अक्षत देकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दे रहे हैं। निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है, भगवान राम का गृह प्रवेश हो रहा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 550 साल बाद सम्राट विक्रमादित्य के काल का जो मंदिर था वो तोड़ा गया था और मंदिर पुनर्निर्माण हो रहा है। समूचा हिंदू समाज और पूरा देश इसके लिए गौरवान्वित है। ऐसे अद्वितीय क्षण के लिए मैं निमंत्रण देने निकला हूँ कि हम अक्षत कलश के माध्यम से सबको आह्वान कर रहे हैं कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपने अपने स्थान पर ऐसे पूरे उत्सव का हिस्सेदार बनिए, भागीदार बनिए। मध्यप्रदेश सरकार सभी राम भक्तों का, सभी सनातन धर्मियों का पुष्पांजलि के पुष्प वर्षा करके उस अयोध्या के मार्ग का स्वागत करेगी, उनका आह्वान करेगी। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में दुनिया भर से लाखों लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं।
जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे ऐसे राम भक्तों के लिए उनके ही शहरों में मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन होगा, भजन होगा, भंडारा होगा, लोग अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखेंगे। इसके साथ ही कई जगह पर राम मंदिर के भव्य प्रतिकृति तैयार की जा रही है, जहां राम भक्त अपने रामलला के दर्शन कर सकेंगे। मुंबई में भी महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर राम मंदिर की एक झांकी तैयार की गई है, जो बिल्कुल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तरह है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इसकी पूजा की। इसके बाद रथ को रवाना कर दिया गया। ये रथ मुंबई के गली मोहल्लों में जाएगा, जहां राम भक्त इसका दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में तो बहुत कम लोग जा पाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो जहां मंदिर है वहां राम जी है, जहां मंदिर है वहां अयोध्या है, तो अपने अपने अयोध्या में हम राम जी का दर्शन उस दिन करेंगे। महाराष्ट्र ही नहीं, देश का एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जहां पर राम मंदिर के इस उद्घाटन के कार्यक्रम को हम लोग मनाएंगे नहीं, हम हर जगह मनाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र हो या देश हो, हर मंदिर, एक तरफ जहां बीजेपी और पूरा देश भगवान राम की भक्ति के रंग बिरंगा नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष राम के मुद्दे पर राजनीति करने में लगा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे का कहना है कि अयोध्या में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। हालांकि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि भगवान राम राजनीति नहीं बल्कि आस्था का विषय है। उद्धव के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। देखिए, मैं उन लोगों की इसलिए चिंता नहीं करता कि ये ऐसे लोग हैं, जब कार सेवा का समय था तो ये दुबक कर छुपे हुए लोग थे, ये कोई कार सेवा को गए नहीं है, इसलिए इनके ऊपर क्या मैं बात करूं। अरे, हम तो कार सेवक है और अभिमान के साथ कहते सारी कार सेवाओं, तीनों कार सेवाओं में हम गए, हम बदायूं के जेल में भी रहे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि कलंक का ढांचा जब नीचे आया उस समय भी मैं था। अब कुछ लोग जलते हैं क्योंकि वो नहीं गए, क्योंकि वो डर के मारे घर में बैठे थे, तो उनकी बातों का जवाब मैं। उद्धव ठाकरे लगातार बयान दे रहे हैं कि मंदिर निर्माण में शिवसेना की भूमिका रही है, पहली बार बीजेपी ने पलटवार किया है, ये लड़ाई अभी जारी रह सकती है।